उत्तर प्रदेश के राज्य विधि आयोग ने यूपी जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। जल्द ही आयोग इसे अंतिम रूप देने के बाद राज्य सरकार को सौंप देगा। इस ड्राफ्ट में यूपी में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानूनी उपायों के रास्ते सुझाए गए हैं। इस ड्राफ्ट के तहत जिनके पास 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे वे न तो सरकारी नौकरी कर पाएंगे और न ही चुनाव लड़ पाएंगे। आपको बता दें कि आयोग ने ड्राफ्ट को सरकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, साथ ही 19 जुलाई तक जनता से राय भी मांगी है। इस ड्राफ्ट को ऐसे समय पर पेश किया गया है जब यूपी में 11 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नई जनसंख्या नीति 2021-2030 जारी करेंगे। गौरतलब है कि राज्य विधि आयोग ने यह ड्राफ्ट खुद तैयार किया है, इस ड्राफ्ट को तैयार करने के सरकारी आदेश नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग के प्रस्ताव के मुताबिक 2 से ज़्यादा बच्चों के माता पिता सरकारी नौकरी का आवेदन नहीं कर पाएंगे, प्रमोशन का मौका भी नहीं मिल पाएगा, 77 सरकारी योजनाओं व अनुदान का लाभ भी नहीं मिलेगा, साथ ही स्थानीय निकाय चुनाव नहीं लड़ने समेत कई तरह के प्रतिबंध लगाने की सिफारिश भी की गई है। अब लाभ क्या मिलेगा? राज्य विधि आयोग के प्रस्ताव के मुताबिक एक बच्चे की नीति अपनाने वाले माता पिता को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। अगर परिवार के अभिभावक सरकारी नौकरी कर रहे हैं और नसबंदी कराते हैं तो उन्हें इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट जैसी कई सुविधाओं का लाभ मिलेगा। 2 बच्चों वाले माता पिता अगर सरकारी नौकरी नहीं करते हैं तो उन्हें बिजली, पानी, हाउस टैक्स, होम लोन में छूट समेत कई अन्य सुविधाएँ देने का प्रस्ताव है। योगी सरकार इस फॉर्मूले को ग्रीन सिग्नल अगर देती है तो फिर यूपी में जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में यह बड़ा कदम होगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।